टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ विद्युत विभाग ने बलाई और आदिवासी बस्तियों की विद्युत सप्लाई काट दी है, जिससे गर्मी और उमस के कारण बच्चों का बुरा हाल हो रहा है। महिलाओं ने मोहनगढ़ विद्युत वितरण केंद्र का घेराव कर दिया है। मोहनगढ़ विद्युत वितरण केंद्र पर बलाई और आदिवासी महिलाएं पहुंची और मोहनगढ़ विद्युत विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। महिलाओं ने बताया कि मोहनगढ़ विद्युत विभाग के द्वारा जब हम लोगों की भारी भरकम विद्युत बिल थमा दिए जा रहे हैं, जबकि हम लोग गरीब व्यक्ति हैं, हमारे घर पर विद्युत LED बल्ब और एक या दो पंखों के सिवा और कोई उपकरण नहीं चलाए जाते, फिर भी हमारे भारी भरकम बिल आ रहे हैं जिन्हें भरने में हम लोग सक्षम नहीं हैं। वैसे भी 3-4 माह से लॉकडाउन लगा हुआ है, हम लोगों को कहीं भी रोज़गार नहीं मिल रहा है, बच्चों का भरण पोषण करना तो मुश्किल हो रहा है, जो उस पर भारी भरकम विद्युत बिल हम लोग कहाँ से दें। हम लोगों ने मोहनगढ़ विद्युत वितरण केंद्र के सहायक उपयंत्री से विद्युत बिल जमा करने के लिए कुछ दिनों का समय मांगा था, मगर फिर भी बलाई और आदिवासी बस्ती की लाइट काट दी गई, जिस कारण हमारे बच्चों का गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। जब हम इस बारे में मोहनगढ़ विद्युत वितरण केंद्र के सहायक उपयंत्री से बात की तो उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से उच्च अधिकारियों के ऐसे आदेश हैं, जो भी विद्युत बिलों को जमा नहीं करेंगे उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाएं। मोहनगढ़ से अब्दुल शुक्ला की रिपोर्ट। भाई आपका नाम? कहाँ की निवासी? मोहनगढ़ के। आप लोग इतनी जानी पावर हाउस क्यों आए हो मोहनगढ़? लाइट काट दी साहब। काय काट दी लाइट? बिल जमा नहीं कहा 3 महीना से, आपके पैदे से नहीं गया बैठी बेटा, हमारे भूखन प्यासन मगा नाच घर में नहीं खाने को, रात में किया निकलो तो हम कहाँ से लिया पैसा। बहुत तगड़ो बिल दे है। कितना आना लगभग? 5,000-20,000 दे है महीना के, हम कहाँ से दे। अच्छा, आप लोगों सबकी यही समस्या है? यही समस्या है साहब। आप लोग ऐसा सुनने में आया है कि सारे लोग हरिजन बस्ती हो, आदिवासी हो, अभी किसने ये आरोप लगाया था कि सामान बढ़ गए और अन्य लोगों की कनेक्शन नहीं काटे गए, केवल आप लोगों के काटे गए? बड़े बड़े आदमन के साथ काट नहीं रहे, बड़न के नहीं काट रहे, गरीब आदमन के साथ काट रहे है। भाई आपका नाम? मीरा वंश का। कहाँ की निवासी हो? बच्चा लाइट नहीं जा सकना, रो रहा कना, गर्मी लग रही लाइट से रो रहा हूँ। परेशान है, अपने से लाइट नहीं है तो परेशान कर रहा बच्चे। कब से कट गई? कल परसों से, कल से नहीं है लाइट, कल ही काट दई हमने। काय काट दई? कना कई वजह से काट दई के जैसे लॉकडाउन लगो है, और कना के लाइट काय में से कना को बिल चुका दे। गरीब आदमी है, पेट है तो पाल नहीं पा रहा, बच्चा नहीं खोते कना के खुआ नहीं पा रहा, बिल कहाँ से कर दे। 18,000 और 22,000 कहाँ से हम जमा कर देवे? 22,000 आया आपका? 22,000 और 18,000, एक घर में 2 कनेक्शन है, तो हमने 1 कनेक्शन जो काट ले गए, तो फिर भी जे दो हमें 2 ही बिल दे रहे जमा करवे के लाने। और देखो बहू के डिलीवरी है, आजकल में बहू के डिलीवरी हो जाए तो हम काला का मट्टी को तेल है नहीं, कछु है नहीं, हम का को जी तो कर ले। हम बहुत समस्या में चल रहा हूँ, गरीब आदमी है। अच्छा, लॉकडाउन लगो है? लॉकडाउन लगो है, और रात काना का सांप आ गया तो इंडिया लगो तो मोड़ी मोड़ा रात रात छोटे छोटे बच्चा काना का पाए हती, और रात काना का सांप आ गया तो। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का जनादेश दिया था, और पिछले 15 महीने में जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ करती थी, हमने 100 रुपये बिजली का बिल, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, हरिजन हो, आदिवासी हो या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, 100 रुपये में बिजली देने का काम किया है। और मध्य प्रदेश में जैसे ही उस गद्दार षडंत्रकारियों ने कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ के नेतृत्व की सरकार गिराई, वैसे ही लूटपाट का काम शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर शुरू हो गया है, चाहे वो बिजली के माध्यम से हो, चाहे आवास के माध्यम से हो, कहीं ना कहीं हर जगह गड़बड़ी का काम उन्होंने शुरू कर दिया है। और निश्चित रूप से जैसे ही हमारी सरकार उपचुनाव के बाद कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनेगी, हम फिर 100 रुपये बिजली का बिल करेंगे। और अधिकारियों को इस बात पर विचार करना चाहिए, जिनके लाखों रुपए के बिल पड़े हैं, लाखों रुपए की जहां चोरी हो रही है वहां इनको जाके देखना चाहिए, इतनी इनके अंदर हिम्मत नहीं है। हमारी सरकार ने पिछले दिनों आपने पूरे प्रदेश में देखा है, एक अभियान चलाया था, चाहे वो बिजली का हो, चाहे माफियागिरी का हो,
उन सभी को समाप्त करने का काम कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुआ है और पुनः जैसे सरकार बनेगी हम फिर करेंगे, हरिजनों और आदिवासियों को बिजली देने का भी काम करेंगे। सर जी कहाँ तक उचित है कि जहाँ कोविड 19 कोरोना जैसी महामारी में आम आदमी को प्राण बचाना मुश्किल है और गरीब मजदूर के रोजगार छिन गए हैं, क्या ऐसे में वो भारी भरकम विद्युत बिल भर सकते हैं और ऐसे में क्या विद्युत कनेक्शन विच्छेदन करना हरिजन आदिवासियों के कहाँ तक उचित है? देखिए शिवराज सिंह जी बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लोगों से अपील करी भारत के प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कोविड-19 के माध्यम से लोगों ने दान दिया है तो सारा का सारा दान गायब हो गया है। लोगों को जो अनाज मिलना चाहिए था, भारत का प्रधानमंत्री 5 किलो अनाज की बात करता, 5 किलो अनाज देंगे, ये 5 किलो अनाज में काम चलने वाला नहीं है। और जहाँ तक बिजली के बिल की बात है, हम लोगों ने मांग करी है, पिछले दिनों कांग्रेस की PCC से मीटिंग हुई थी, उसके नेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, उसमें भी हमने मांग करी थी। तो निश्चित रूप से हम लोग घेराव करेंगे, अगर ये सरकार अपनी हरकतें बंद नहीं करती, हरिजन आदिवासियों का शोषण बंद नहीं करती है और बिजली के 3-4 महीने के, ये 6 महीने के बिल अगर माफ़ नहीं करेगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे, पूरी कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर आंदोलन करेगी और निश्चित रूप से जब सरकार हमारी आएगी तो हम उसको माफ़ करेंगे। जब इस बारे में मोहनगढ़ विद्युत विभाग के OIC साहब से बात की गई कि एक तरफ तो शासन कह रही है कि किसी भी प्रकार की रिकवरी नहीं ली जाएगी अभी जब तक कोविड-19 चल रहा है, दूसरी तरफ उनका कहना था कि हमारे ऊपर उच्च अधिकारियों और प्रशासन का दबाव है कि विद्युत बिलों की उगाही की जाए और जिनके बिल नहीं मिलते हैं उनके विद्युत कनेक्शन विच्छेद कर दिए जाएं। ये अधिकारी और कर्मचारियों का नहीं है, शिवराज सिंह जी जनता को चूतिया बनाने का काम करने के लिए बोलते कि नहीं लिया जाएगा, लेकिन अंदर खाने से वो आदेश जारी करते हैं कि उनको तो किसी भी तरह से उनकी पूर्ति कर लो, गिरफ्तार कर लो, कैसे भी करके उनको और ज़्यादा बर्बाद कर दो, भूखा मर जाए, कोई भी हमारी सड़क में आ जाए, इसलिए इस तरह का वो करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।